फिजिकल पुलिस ने 24 घंटे के अंदर लूट का किया पर्दाफाश। 3 आरोपी गिरफ्तार। एक आरोपी शिवानी हत्याकांड में था शामिल। फिजिकल थाना पुलिस को अनिरत पुत्र कमरलाल आदिवासी उम्र 35 साल निवासी ग्राम से डबिया ने बताया कि 18 तारीख को मैं अपने घर ग्राम डबिया थाना सुरवाया अपने दोस्त की मोटरसाइकिल से शिवपुरी कुटीर का पैसा निकालने के लिए स्टेट बैंक की शाखा शिवपुरी आए थे। मैंने खाते से 75,000 रुपए नकदी निकाले थे। पैसा निकाल कर मैं अपने दोस्त के साथ 2 बत्ती तिराहा होते हुए करबला रोड पर जा रहे थे। हमारे पीछे पीछे एक अज्ञात ऑटो हरे कलर जैसा आ रहा था। जैसे ही हम ठाकुर बाबा मंदिर के पास बाजा घर के आगे पहुंचे थे तभी करीब 2 बजे ऑटो चालक ने हमारी मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी। तभी ऑटो में से 2 लोग निकले और मुझे तथा मेरे दोस्त की मारपीट करने लगे और मुझे नाले की तरफ ले गए। मेरी पैंट की दोनों जेबों से रखे 74,000 रुपए निकाल कर लूट कर ले गए। इसके बाद हम फिजिकल थाने पहुंचे जहां घटनाक्रम की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। 3 लोगों से 51,000 रुपये एवं घटना में उपयोग की गई एक ऑटो जब्त की गई है। 3 आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जा रहा है। जो आपके द्वारा लूट का खुलासा हुआ, ये 18 तारीख को एक अनिरत आदिवासी थे सुरवाया के रहने वाले। ये यहाँ पर ग्राहक सेवा केंद्र से इन्होंने 75,000 रुपये निकाले थे और जब ये वापस अपने घर जा रहे थे तो बाजा घर के पास 3 लड़कों ने ऑटो से टक्कर मार के इनको गिराकर इनके साथ 75,000 की लूट कर ली। कौन थे मैम ये लोग? जो आरोपीगढ़ तीनों ही पुरानी शिवपुरी देहात थाना क्षेत्र के निवासी हैं। इसमें से जो एक आरोपी है गोलू और अशोक, ये पूर्व में भी शिवपुरी में एक शिवानी हत्याकांड हुआ था उसमें भी आरोपी रहा है। जबकि एक आरोपी जो हेमंत है उसके विरुद्ध विभिन्न धाराएं थाना कोतवाली और देहात लगभग 7 अपराध पंजीकृत है। आप लोग इन तक कैसे पहुंच पाए? इनके पास पहुंचने के लिए हमने सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज को अपना माध्यम बनाया। सीसीटीवी फुटेज में जब ऑटो की पहचान हो गई तो उसके बाद आरटीओ से जानकारी और मुखबिर सूचना के आधार पर इन तक पहुंचे। कितनी रकम दी मैम? 75,000 रुपये थे जिसमें से 74,000 रुपये थे जिसमें से अपन ने इनसे टोटल 51,000 रुपये बरामद किए। कहाँ से पकड़ा मैडम इनको? इनको करबला के पास से पकड़ा है तीनों लोगों। कोई हथियार वगैरह मिला है? नहीं, हथियार नहीं मिला है। इनकी ऑटो के साथ में इनको गिरफ्तार किया। इनकी कोई इनसाइड स्टोरी भी है क्या? अपराध रिकॉर्ड है इनका? पुराना अपराध।